गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशीष। और आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो रहेगा ह्यूमन ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो ये डायग्राम क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। ये ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ लोब होते हैं। जैसे यहाँ पे एक लोब है ऑल्फैक्ट्री। तो इस ऑल्फैक्ट्री का मीन्स क्या होता है, स्मेल, स्मेल्स हैं। जो स्मेल आती है वो इंडिकेट करता है ऑल्फैक्ट्री। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का मीन्स क्या होता है, थिंकिंग। आप जो सोचते हैं तो वो फ्रंटल लोब में आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आएगा, पैराइटल। जो स्पीच है वो पैराइटल में आता है। और ये पार्ट क्या आता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम का वर्क क्या होता है, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटी। जितनी वॉलंट्री एक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है सेरेब्रम। इसे बोलते हैं थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो विजन का को इंडिकेट करता है वो करता है ऑक्सीपिटल लोब। यदि बोला जाए कि कौन सा लोब विजन इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑक्सीपिटल। इसके अलावा सेरिबेलम। सेरिबेलम का वर्क क्या होता है, पॉस्चर है, बॉडी बैलेंस है, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। और यहाँ पे आता है ऑडिटरी एरिया। इसका मीन्स क्या होता है, हियरिंग, सुनने से। और ये यहाँ पे आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका वर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये डायग्राम आप लोग तैयार कर लीजिए, ह्यूमन ब्रेन डायग्राम है और स्पेशली फॉर क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप ऑफ लोब, तो ये कुछ एरिया आप ध्यान रखना। ऑल्फैक्ट्री का वर्क क्या है, फ्रंटल का वर्क क्या है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे इंडिकेट के स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और इसी से कनेक्टेड होती है वर्टेब्रा कॉलम। ठीक है, कवर करते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करता हूँ। ओनली 2 या 3 मिनट टॉपिक ही डिस्कस होते हैं, तो इसको आप देखिए। और जहाँ डाउट हो, डाउट अपने कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।